हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ट्वेल्थ ऑनवर्ड्स बीबीए इन एविएशन या फिर एयरपोर्ट मैनेजमेंट कोर्सेज करने की सोच रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट या फिर एविएशन करने की सोच रहे हैं तो आज हम आपके लिए इंडिया के टॉप 10 एयरपोर्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जहां से आप बीबीए इन एमबीए कोर्सेज कर सकते हैं। सभी कॉलेजेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके इन सभी कॉलेजेस के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। और अगर आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के जवाब हम आपको जल्दी से जल्दी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। अगर हम एयरपोर्ट मैनेजमेंट या फिर एविएशन को ब्रीफ में समझें तो इसमें एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशंस जैसे कि टिकटिंग, बोर्डिंग, डीबोर्डिंग, फ्लाइट ऑपरेशन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ओवरऑल एक पैसेंजर के एयरपोर्ट में एंट्री से लेके फ्लाइट में बोर्डिंग तक या फिर डीबोर्डिंग से लेके पैसेंजर के एग्जिट करने तक के कंप्लीट प्रोसेस को हम बीबीए इन एविएशन या फिर एयरपोर्ट मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। बीबीए इन एविएशन 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कि 6 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। और अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जो कि 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। बीबीए इन एमबीए को आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं। एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं। 12th किसी भी स्ट्रीम से 50% अरब मार्क्स से पास करके आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स को करके आपको अप्रॉक्स 4 to 7 लाख पर एडम की जॉब एयरपोर्ट्स या फिर एयरलाइंस में आसानी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं टॉप 10 एयरपोर्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस इन इंडिया की। इसमें आप सबसे पहले यूपीईएस देहरादून, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून को चेक कर सकते हैं। नैक ए ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग 65 है। 100% का प्लेसमेंट है। यहां से आप बीबीए एंड एमबीए दोनों ही कोर्सेज कर सकते हैं। एडमिशन यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे मिलता है और उसमें आए हुए स्कोर के बेसिस पे आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। बीबीए की फीस अप्रॉक्स 3 लाख पर एनम और एमबीए की फीस अप्रॉक्स 7.5 लाख पर एनम की है। अगर आप यूपीएस यूनिवर्सिटी देहरादून से बीबीए या फिर एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट करते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 5 to 9 लाख पर एनम का प्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप 10 एविएशन कॉलेजेस इन इंडिया में आप जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर को भी चेक कर सकते हैं। AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड, NBA अप्रूव्ड, NAC A++ ग्रेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। 1990 के एस्टैब्लिशमेंट है। इसकी ओवरऑल NIRF रैंकिंग 101 है। यहां की बीबीए एविएशन की फीस अप्रॉक्स 3.5 लाख पर एनम की है। यहां से अगर आप बीबीए एविएशन करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 4 to 6 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। यहां से आप एमबीए एविएशन भी कर सकते हैं जिसकी फीस अप्रॉक्स 8.5 लाख पर एनम की है। यहां से एमबीए करके आपको ऑन एन एवरेज 7 to 8 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे मिलता है। उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन या फिर 12th में 60% एंड अबव मार्क्स भी होने चाहिए। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को डिटेल में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्रिस्टु जयंती कॉलेज बैंगलोर को भी चेक कर सकते हैं। 1999 का एस्टैब्लिशमेंट है। AICTE अप्रूव्ड, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज ऑफ बैंगलोर। NAC अप्रूव्ड है। NIRF रैंकिंग 101 है। बीबीए एविएशन की यहाँ की फीस अप्रॉक्स 95,000 पर एनम की और एमबीए की फीस 4 लाख की है। एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही मिलता है। उसके साथ साथ आपके 12th में 60% एंड अबव मार्क्स भी होने चाहिए। अगर आप यहां से एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए में भी एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही मिलता है। उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में 50% अलावा मार्क्स भी होने चाहिए। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको पता है कि अब आप vidya.in के थ्रू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन 1 क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स में डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। टॉप एयरपोर्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस इंडिया में आप हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी को भी चेक कर सकते हैं। 1985 का एस्टैब्लिशमेंट है। एनबीए अप्रूव्ड, यूजीसी अप्रूव्ड, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। NAC ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल रैंकिंग 151 की है। एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही मिलता है। उसके साथ साथ आपके 12th में 60% अलावा मार्क्स भी होने चाहिए। बीबीए की यहाँ की फीस अप्रॉक्स 1 लाख पर एनम और एमबीए की यहाँ की फीस अप्रॉक्स 2.5 लाख पर एनम की है। यहां से भी अगर आप बीबीए या फिर एमबीए एडमिशन कर लेते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 3 to 5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है।
नेक्स्ट आप गीतम यूनिवर्सिटी हैदराबाद को चेक कर सकते हैं, AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड है, 2009 का एस्टैब्लिशमेंट है, अगेन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, NAC A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है और यहां की BBA की फीस अप्रॉक्स 1,75,000 पर एनम की है। MBA एविएशन भी आप यहां से कर सकते हैं जिसकी फीस अप्रॉक्स 4 लाख की है। एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही मिलता है, इसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन या फिर 12th में 60% एंड अबव मार्क्स भी होने चाहिए। एविएशन कोर्सेज के लिए नेक्स्ट आप मुंबई यूनिवर्सिटी को भी चेक कर सकते हैं, NAC ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, NIRF रैंकिंग 81 है, 1857 का एस्टैब्लिशमेंट है, यहां के BBA एविएशन की फीस अप्रॉक्स 44,000 पर एनम की है। एडमिशन आपको MHCET एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही मिलता है, उसके साथ साथ आपके 12th में 60% एंड अबव मार्क्स भी होने चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में भी और डिटेल में जान सकते हैं। आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से भी BBA एविएशन एंड MBA एविएशन कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, UGC अप्रूव्ड है, BBA की यहां की फीस अप्रॉक्स 1,60,000 पर एनम और MBA की यहां की फीस अप्रॉक्स 3 लाख पर एनम की है। एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही मिलता है, यहां से भी अगर आप MBA एविएशन कर लेते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 3 to 5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। वनस्थली विद्यापीठ को भी आप BBA एविएशन या फिर MBA एविएशन के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, 1983 का एस्टैब्लिशमेंट है, UGC अप्रूव्ड, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, NAC ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और इसकी NIRF रैंकिंग 87 है। BBA की फीस अप्रॉक्स 1,09,000 पर एनम और MBA की यहां की फीस 2 लाख पर एनम की है। एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही मिलता है। आप चितकारा यूनिवर्सिटी को भी एविएशन कोर्स के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, BBA की फीस अप्रॉक्स 1,50,000 पर एनम और MBA की फीस यहां की 3,20,000 पर एनम की है। एडमिशन आपको मेरिट बेसिस पे मिल सकता है। आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं BBA इन एविएशन कोर्सेज के लिए, BBA की फीस 1,25,000 और MBA की यहां की फीस अप्रॉक्स 2 लाख पर एनम की है। एडमिशन आपको मेरिट बेसिस पे आसानी से मिल सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको टॉप एविएशन मैनेजमेंट कॉलेज इन इंडिया की सभी इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर किसी भी कॉलेज को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।